स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने बजट को सर्वहितकारी बताया है। शांडिल ने कहा कि बजट को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को मिलने वाले 1500 रुपए जल्द ही मिल जाएंगे। देरी इसलिए हो रही है ताकि कोई भी पात्र महिला इससे वंचित न रह सके। इसके अलावा शांडिल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा सहित हर वर्ग को बजट में राहत मिलेगी। बजट है विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद हमारे बहुत ही ओजस्वी और यशस्वी और मैं समझता हूँ ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय ने श्री सुखेंद्र सुखोजी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि गारंटियाँ जितनी हमारी घोषणा है उसको हमने सरकारी दस्तावेज के रूप में लेकर उनको आपने देखा कि हमने जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो लागू की है और वो वैसे नहीं लागू की, ज़मीन पे लागू कर दी है। बाकी जो हम आप गारंटी दे रहे हैं 1500 रुपये देने हैं महिलाओं को, उसमें थोड़ी सी विलंब ये हो रहा है कि कई बार क्या हो रहा है कि ऐसा भी ना हो कि जिसको मिलने चाहिए उसको ना मिलें। और इसलिए जितनी भी हमारी जिससे हमने बड़े अधिकारियों को और इसमें अफसर साहबान को लगाया है इसको भी शीघ्र ही उनको जैसा हमने प्रॉमिस किया वैसे देंगे। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।